हेलो क्लास सिक्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने कर ली थी एक्सरसाइज 11.3। ओके, तो इस चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 11.4 एक्सरसाइज। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो आपको इसको बहुत ही केयरफुली देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, तभी ही आपके ये एक्सरसाइज समझ में आ पाएगी, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस तो है नहीं, केवल समझने का काम है, तो इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 11.4 पर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन रीडिंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन वन है आंसर द फॉलोइंग, ए पार्ट सबसे पहले हम रीडिंग करने वाले हैं। क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे, समझेंगे और देन वी विल राइट द सॉल्यूशन, ठीक है, तब हम सॉल्यूशन राइट करेंगे। एक एक पार्ट को हमें समझना है। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर, सरिता की प्रेजेंट एज को आप वाई मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इन पार्ट्स के आंसर देने हैं, 1 to 5 हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स, प्रेजेंट एज आपने कितनी मान ली है, प्रेजेंट एज ऑफ सरिता, ठीक है, कितनी है, वो है वाई ईयर्स, क्लियर। अभी ये क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। आप जानते हैं कि जो भी एज आपकी प्रेजेंट में होती है, तो जितने ईयर्स आप बड़े होते चले जाते हैं, एल्डर होते चले जाते हैं, उतने ईयर्स आपकी एज प्रेजेंट एज में ऐड हो जाते हैं। 1 साल बाद आप +1 के हो जाएंगे, जो प्रेजेंट एज है, मान लीजिए 10 के हैं, +1 11 हो गया। 2 ईयर बाद 10 + 2 आप 12 ईयर के हो जाएंगे, प्रेजेंट एज 10 मान लिया आपने, 3 ईयर्स बाद आप 10 + 3 के हो जाएंगे, 5 ईयर्स बाद 10 + 5 के हो जाएंगे, अगर प्रेजेंट वाई है तो वाई प्लस फाइव के हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा आ चुका है, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई प्लस 5 ईयर्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपको अगर राइट करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पहले आप राइट करें, फिर फर्स्ट पार्ट डालें। फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसको राइट करेंगे, देन आप आंसर में लिखेंगे हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो इसके बाद लिखेंगे वाई प्लस 5 ईयर्स, इस तरह करके आप लिख सकते हैं सुटेबली, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी वाई प्लस 5, ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट को देखना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, सेकंड पार्ट है व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, बैक मींस पहले, 3 साल पहले की। अभी जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको अगर आगे की एज निकालनी है, फ्यूचर की है, तो प्लस करेंगे जो गिवन ईयर्स होंगे हमारे पास, एंड अगर पीछे की पास्ट एज पूछी है, पहले की एज पूछी, तो माइनस करेंगे, 3 ईयर्स माइनस कर देंगे। प्रेजेंट हमारी वाई है, -3 ईयर्स कर देंगे, तो वाई -3 इज़ द आंसर, ठीक है। और फिर मैं एक बार राइट करके दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद राइट कर लेंगे। अगर इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे आप, हर एज 3 ईयर्स बैक इक्वल टू वाई -3 ईयर्स, ठीक है, इस तरह से आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ जाएंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप आंसर राइट करते जाएं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को देखते हैं। सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसकी एज का 6 टाइम्स हैं, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, एज ऑफ हर ग्रैंडफादर, डायरेक्टली दिया हुआ है कि वो, आपको ये दिया हुआ है हिंट
कि सरिता की जो ग्रैंडफादर हैं उसकी एज का 6 टाइम्स है. 6 टाइम्स का मतलब 6 से मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स ऑफ हर एज 6y, दैट इज 6y ईयर्स. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 6y ईयर्स. ठीक है, तो हमें इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था. कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में राइट करके हमसे पूछ लीजिएगा. थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट. ठीक है, फोर्थ पार्ट को रीडिंग करते हैं और बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको लर्न करना है, देखना है, समझना है. ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा, ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर. जो ग्रैंड मदर हैं वो ग्रैंड फादर से 2 ईयर यंगर हैं, यानी छोटी हैं, 2 ईयर छोटी हैं. व्हाट इज ग्रैंड मदर्स एज, एज ऑफ ग्रैंड मदर हम निकालेंगे, एज ऑफ ग्रैंड मदर. ठीक है, ग्रैंड मदर की एज हो जाएगी, ग्रैंड फादर की हमारे पास कितनी आई थी, 6y आई थी. ग्रैंड फादर की एज कितनी थी, 6y थी. उनसे हम 2 ईयर्स यंगर यानी 2 साल कम कर देते हैं, तो ये हमारी आ जाएगी एज किसकी, एज ऑफ ग्रैंड मदर. ठीक है, कोई डाउट, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ तक के हमने कर लिए हैं. ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर. तो प्रेजेंट एज तो हमने मान रखी है, प्रेजेंट एज ऑफ सरिता, ठीक है, कितनी है, वाई ईयर्स हमने मान के चले थे. ठीक है, अब हम यहाँ पर बने सरिताज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर. तो इस वाले पार्ट में हमें फिफ्थ पार्ट में क्या बताया गया, सरिता के फादर की जो एज है 5 ईयर्स मोर, मोर मीन्स ज़्यादा, 5 साल ज़्यादा है. किससे, देन 3 टाइम्स ऑफ सरिता एज, सरिता की एज का 3 टाइम्स है. तो एज ऑफ फादर हम अगर फाइंड आउट करें, एज ऑफ फादर, तो सबसे पहले तो हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा. 3 टाइम्स मीन्स 3y, क्योंकि प्रेजेंट एज हमारा वाई है, तो 3 टाइम्स हो गया 3y. इससे 5 साल ज़्यादा, तो ग्रेटर, मोर, तो हमें प्लस 5 कर दिया, तो ये हमारे पास इतने ईयर्स आ गए एज ऑफ फादर. तो फादर की एज आ गई हमारे पास 3y + 5 ईयर्स. ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप सारे स्टेप्स राइट करते जाएं. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट पर. ठीक है, बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल. जो लेंथ है हॉल की वो 4 मीटर लेस है. 4 मीटर लेस का मतलब 4 मीटर कम है. किससे, देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ के 3 टाइम्स से. जो हॉल की ब्रेथ है उससे 3 टाइम्स से 4 लेस है लेंथ. व्हाट इज़ द लेंथ इफ़ द ब्रेथ इज़ बी. तो आपको एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है, BRE, ब्रेथ दे रखी है बी मीटर. ठीक है, मीटर्स. ठीक है, तो आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ को हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. लेंथ क्या है, 4 मीटर लेस है. देखो ये हिंट दे रखा है आपको, 4 मीटर लेस. किससे लेस करनी है, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ. तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ तो हो गया 3b, माइनस कर देते हैं 4 कम है. ठीक है, 4 कम कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 3b - 4 मीटर. ठीक है, ये हमारे पास आ गया है लेंथ. तो लेंथ हमने फाइंड आउट करना था, 3b यानी 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ माइनस 4, उससे 4 हमने कम कर दिया, लेस कर दिया, 3b - 4 इज द आंसर. करेक्ट, बी पार्ट कंप्लीटेड. ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट. देखिए सी पार्ट को देखते हैं. तो सी पार्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर. आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है. हाइट कितना दे रखा है, h सेंटीमीटर. ओके, इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. इसकी जो लेंथ है, लेंथ के बारे में इसने क्या बोला है, लेंथ जो है 5 टाइम्स है. 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई किसका, हाइट का. हाइट मीन्स एच. तो ये हमारे पास हो गई 5h सेंटीमीटर. तो इसने कहा है इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. इसकी लेंथ जो है हाइट की 5 टाइम्स है, वो हमने राइट कर दी है. एंड ब्रेथ, ब्रेथ के बारे में बोला इसने, BREADTH, ब्रेथ.
ब्रेथ के बारे में क्या कहा, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस। देखो इस लाइन को बहुत केयरफुली आप रीडिंग करें, ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर लेस है, कम है, 10 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है देन द लेंथ, लेंथ से, तो लेंथ तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 5h है ना, 5h हमारी लेंथ थी, इससे कितना कम है 10 सेंटीमीटर कम है, हमने 10 माइनस कर दिया, ये सेंटीमीटर हमारा आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन द टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट की टर्म में हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए थी, तो हमने ऑलरेडी निकाल दी है, लेंथ भी निकाल दी है और ब्रेथ भी निकाल दी, वो एच की टर्म में हमने निकाल दी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सी पार्ट का, कोई डाउट हो तो बताएं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम डी पार्ट, ठीक है। तो डी पार्ट है बेटा हमारा, रीडिंग कर लेते हैं, मीना बीना एंड लीना, जो मीना बीना और लीना है आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप, मीना बीना लीना हिल टॉप पर चढ़ रही हैं स्टेप्स के द्वारा, यानी पैदल चल रही हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं दोनों तीनों, मीना भी बीना और लीना तीनों ये क्लाइंबिंग चढ़ रहे हैं हिल टॉप पर। मीना इज एट स्टेप एस, जो जो गिवन है उसको हम राइट करते जाएंगे, तो मीना स्टेप्स, मीना के कदम कहाँ पर हैं, एस पर हैं, ठीक है, ये हमने राइट कर लिया, मीनाज स्टेप्स हो गए एस। बीना इज 8 स्टेप अहेड, छोटा छोटा हम सेंटेंस पढ़ते जाएंगे उसका वर्क करते जाएंगे, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, बीना 8 स्टेप्स आगे है, बीना, ठीक है, बीना के स्टेप्स राइट कर लो, बीनाज स्टेप्स कितने हैं 8 स्टेप्स आगे, तो एस प्लस 8 हो गए, ठीक है। एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड, और लीना जो है 7 स्टेप पीछे है, तो लीना के भी राइट कर लो आप, लीनाज स्टेप्स, तो लीना के स्टेप्स कहाँ पर है 7 स्टेप बिहाइंड, 7 कदम पीछे, तो 7 कदम पीछे कर देते हैं एस से, एस माइनस 7, तीनों के स्टेप पता लग गए हमें। वेयर आर बीना एंड मीना, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मीना बीना और लीना तीनों के निकाल दिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं हिल टॉप चढ़ने के लिए, टोटल स्टेप कितने चढ़ने होंगे 10 लेस, किससे देन, देन मीन्स बताया गया कि किससे कम, 10 लेस 10 किससे कम है, किससे कम है 4 टाइम्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 4 टाइम्स, दैट वन इंपॉर्टेंट है ये लाइन, दैट व्हाट मीना हैज़ रीच्ड, मीना जितना चढ़ चुकी है उसका उससे उसके 4 टाइम्स से 10 लेस है टोटल स्टेप्स, तो टोटल स्टेप्स हम कितने लिख देंगे यहाँ, टोटल स्टेप्स, मीना कितनी थी, कितने स्टेप पर थी, एस पर थी, तो उसका 4 टाइम कितना हो गया 4s हो गया, और इससे 10 कम 10 लेस कर दिए, टोटल स्टेप्स आ गए हमारे पास। तो फिर से पढ़ लें आप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द हिल इज 10 लेस, तो 10 लेस हमने करके दिखाएंगे वाले, एंड फोर टाइम्स ऑफ मीना हैज़ रीच्ड, 4 टाइम्स किसका, 4 टाइम्स मीना का, मीना कहाँ पर पहुँची थी, एस पर पहुँची थी, तो उसका हमने 4 टाइम्स करना है 4s हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 4s हो गया, 4s माइनस 10 हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, एस का यूज़ करके टोटल स्टेप्स बताओ, वो हमने निकाल दिए, तो ये हमारा डी पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो बताएं आप, आई होप के डाउट तो होगा नहीं, अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगी, बहुत ही इजी आपको ये लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं अभी, करेक्ट, अब हम करने वाले हैं ई पार्ट, इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्टेप्स राइट कर लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं ई पार्ट पर, देखो ई पार्ट पर आ गए हैं, ई पार्ट में देखिए, ए बस ट्रेवल्स एट वी किलोमीटर पर आर, एक बस जो है वी किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है, वी किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर जो होता है स्पीड का क्या होता है यूनिट होता है, तो स्पीड हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, इसको राइट कर लेते हैं हम, स्पीड ऑफ बस कितनी है वी किलोमीटर
पर आर, ठीक है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, ये दसपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, 5 आवर्स जब ट्रेवल कर लेती है बस, उसके बाद पता ही लगता है बीसपुर इज़ 20 किलोमीटर अवे, कि स्टिल 20 किलोमीटर अवे, कि बीसपुर अभी 20 किलोमीटर और दूर है। यानी हम 5 घंटे चल चुके हैं बस में, हमें पता चला कि 20 किलोमीटर बीसपुर रह गया, अभी 20 किलोमीटर और हमें जाना है। तो क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, वी का यूज़ करके आपको बताना है कि दसपुर से और बीसपुर तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले हम 5 आवर्स चल लिए, 5 आवर्स यहाँ से यहाँ तक चले, और 20 किलोमीटर अभी हमें और चलना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस होगी टोटल, ठीक है। 5 आवर्स में जितनी डिस्टेंस चले वो प्लस 20 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस आएगी। तो हम क्या करें, 5 आवर्स में चले हुए डिस्टेंस निकाल लेंगे, 20 हमारे पास और चलना है, वो हमारे पास गिवन है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम क्या, हमने सबसे पहले लिख लिया स्पीड, स्पीड ऑफ बस हमारे पास कितनी है, वी किलोमीटर पर आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी वी है, टाइम हमारा 5 है, तो ये 5 वी किलोमीटर हो गया, ठीक है, 5 वी किलोमीटर, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, तो डिस्टेंस निकालनी है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। तो 5 आवर्स में हम कितना चल चुके हैं, 5 वी चल चुके हैं, प्लस और कितना रह गया, 20 रह गया, 20 को ऐड कर दिया, 20 किलोमीटर रह गया था 5 आवर्स चलने के बाद, तो 5 वी तो हो गई, 5 आवर्स में चली डिस्टेंस और 20 हमारी रह गई थी, तो ये टोटल हमने दोनों को ऐड कर दिया, ये किलोमीटर आ गए हमारे। डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर इज़ 5 वी प्लस 20 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कम्प्लीट हो जाता है, ए बी सी डी ई ऑल पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही केयरफुली रीडिंग करना है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स हैं कुछ, उसको अब बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। हमको ए बी सी डी ई पार्ट दे रखे हैं, ये सेंटेंस हमें गिवन है, एक्सप्रेशन है, हमको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ, फटाफट से देखते चलें, इनके आंसर भी मैंने नीचे राइट कर दिए हैं, हैंड टू हैंड मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। पहला है हमारा, ए नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ पी, एक नोटबुक की कॉस्ट है पी रुपीज़, ए बुक कॉस्ट रुपीज़ 3p, एक बुक की कॉस्ट है 3p, ठीक है। तो पी, इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है, तो पी और 3p में क्या रिलेशन होता है, जो 3p होता है वो पी का 3 times होता है। तो बस यहाँ से हमें पता लग गया पी क्या है, पी है कॉस्ट नोटबुक की, और 3p क्या है, कॉस्ट है बुक की। तो हमने उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिख दिया, ए बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, बुक की कॉस्ट 3 times है नोटबुक की कॉस्ट की, बस ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, टोनी पुट क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, टोनी क्यू मार्बल रखता है टेबल पर, ही हैज़ 8 क्यू मार्बल इन हिज बॉक्स, और उसके बॉक्स में 8 क्यू मार्बल हैं। तो क्यू में और 8 क्यू में क्या रिलेशन हुआ, क्योंकि 8 क्यू जो होता है 8 times होता है क्यू का, तो ये जो 8 क्यू हैं ये तो बॉक्स में है, बॉक्स कंटेन, एंड क्यू हैं जो वो टेबल पर रख चुका है मार्बल। तो बस इसमें हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या राइट करेंगे, इसको अब हम
नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स, मार्बल नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स इज 8 times, जो बॉक्स में मार्बल है वो 8 times है। किसका? द मार्बल ऑन द टेबल, जो मार्बल टेबल पर है उसका 8 times। तो मार्बल टेबल पे थे क्यों, तो उसका 8 times कर देंगे तो वो बॉक्स वाले मार्बल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सी पार्ट को पढ़ते हैं। अवर क्लास हैज़ एन स्टूडेंट, हमारी क्लास में एन स्टूडेंट हैं, हमारी क्लास में एन स्टूडेंट हैं। द स्कूल हैज़ 20 students, तो स्कूल में 20 है, तो एन में और 20 में क्या रिलेशन बना कि 20 जो होता है 20 times होता है एन का, तो एन तो क्लास के स्टूडेंट, 20 स्कूल के स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 times हो जाएंगे क्लास के। तो हम इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के जो बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 20 times, हम वो 20 times है किसका, दैट इन आवर क्लास, जो हमारी क्लास में बच्चे हैं स्टूडेंट है उसका 20 times पूरे स्कूल में बच्चे हैं। तो ये हमारा सी पार्ट भी कम्प्लीट हो गया। क्वेश्चन इसका डी पार्ट देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा समझना है आपको। जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड, जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड, जग्गू जेड ईयर का है। हिज अंकल इज 4 years old, उसके अंकल 4 years हैं। तो पहले तो जेड और 4 में रिलेशन निकालो, यानी 4 जो हो गया वो जेड का 4 times हो गया। ठीक है, तो अंकल 4 times हो गए। ठीक है, इसी तरह से आंट के बारे में उसने कहा, एंड हिज आंट इज 4z-3 years old, तो आंट जो है, आंट जो है 4z-3, 4z-3 का मतलब क्या हुआ, अंकल से कितना, 3 छोटी, क्योंकि 4z तो अंकल हैं, अंकल 4z के हैं, तो आंट हो गई हमारी कितनी, 3 कम। ठीक है, तो बस ये हमें करना, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, जग्गूज अंकल है ना, जग्गूज अंकल एज 4 times द एज ऑफ जग्गू, तो जग्गू के अंकल की एज कितनी हो गई, 4 times हो गई जग्गू की एज की, और जग्गू की आंट की एज कितनी है, 3 यंगर देन अंकल, तो अंकल से कितना, 3 कम की हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। ओके बेटा, अब हमें करना है ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट को देख लेते हैं। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स, डॉट्स के अरेंजमेंट में देर आर आर रोज हैं, ईच रो कंटेन 5 dots। ठीक है, हर एक रो में 5 dots हैं। ये सिंपल वही क्वेश्चन हो गए जैसे हम पहले करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, एक रो में 5 हैं, 1 × 5 हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये टोटल 2 rows हो गई, 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास आर रोज होंगी तो r × 5 यानी 5 टोटल डॉट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो हमें रिलेशन पता लग गया, तो हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times द नंबर ऑफ रोज, रोज के जितने नंबर होंगे उसका 5 times कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सबसे पहले हमको रीडिंग करना है। गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर, मुन्नू की एज एक्स ईयर मान लेते हैं। कैन यू गैस वाट एक्स माइनस टू मे शो, मुन्नू की एज एक्स है। ओके, मुन्नूज एज तो एक्स माइनस टू क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, मे शो, ये क्या कर सकता है, एक्स माइनस टू क्या करेगा, एक्स माइनस टू देखो एक्स जो है मुन्नू की एज है, एक्स जो है मुन्नू की एज है, तो एक्स माइनस टू यानी इससे कम एज होगी, एक्स माइनस टू एक एज कम आएगी, और वो कम एज वाला कौन हो सकता है मुन्नू का, या तो ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, जैसे आपको हिंट में बताया भी गया, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर, मुन्नू के यंगर ब्रदर की एज हो सकती है, तो मुन्नू का यंगर ब्रदर भी हो सकता है, यंगर सिस्टर भी हो सकती है। तो इसका आंसर आ गया हमारा, ए पार्ट का आंसर आ जाता है एक्स माइनस टू में शो
शो एज ऑफ हिज एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर और एज ऑफ हिज यंगर सिस्टर। ठीक है, तो x माइनस टू क्या शो कर सकता है, एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर और एज ऑफ हिज यंगर सिस्टर। ठीक है, तो ए पार्ट का हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बी पार्ट करते हैं। देखो, बी पार्ट में कह रहा है गिवन साराज एज टुडे बी वाई ईयर्स, सारे की एज इस समय, सारे की एज ये प्रेजेंट एज हो गई है ना, सारा की एज प्रेजेंट एज है हमारे पास, प्रेजेंट यानी आज की एज है, प्रेजेंट एज सारे की वो है वाई ईयर्स। तो आपको ये बताना है थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। तो आपको बताना है कि ये जो एज गिवन है, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट, कि उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर की आपको एज जो है सोचनी है कि ये एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखो वाई प्लस सेवन बहुत ही ईजी है बेटा, जब भी एज प्लस होती है तो वो फ्यूचर की एज होगी है, फ्यूचर एज। ठीक है, जब भी माइनस होगी वाई माइनस थ्री, जब भी एज कम होती है तो वो पहले की होती है, पास्ट एज। अगर आपकी आज इस समय 10 ईयर है तो 3 साल पहले आपकी एज कम होगी यानी पास्ट की एज हो गई। इसी तरह वाई प्लस फोर एंड हाफ, ये आपकी फ्यूचर की एज हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट। और ये जो दे रखा है ये आपकी पास्ट एज हो जाएगी, कौन सी पास्ट एज, वाई माइनस टू एंड हाफ। ठीक है, बस इतना बताना था कि ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई प्लस सेवन करेगा फ्यूचर एज को, वाई माइनस थ्री पास्ट एज को, वाई प्लस फोर एंड हाफ फ्यूचर एज को, एंड वाई माइनस टू एंड हाफ पास्ट एज को इंडिकेट करेगा। लास्ट पार्ट है सी, गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, एन स्टूडेंट जो है लाइक करते हैं फुटबॉल को, व्हाट मे टू एन शो एंड व्हाट मे एन बाई टू शो। देखो इसको लिखेंगे इस तरह से, स्टूडेंट लाइक फुटबॉल जो आपको गिवन है वो कितने हैं, एन हैं। ठीक है, अब टू एन क्या पूछा, तो टू एन स्टूडेंट कोई सा भी फ्रेंड लाइक कोई सा भी आप गेम ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर एन जो हैं फुटबॉल पसंद करते हैं, हो सकता है टू एन क्रिकेट करें, वॉलीबॉल करें, है ना, रग्बी करें, चेस करें, स्विमिंग करें, कबड्डी करें, रेसिंग करें, कोई सा भी स्पोर्ट गेम आप ले सकते हैं, कोई सा भी नाम राइट आप यहाँ कर सकते हैं, सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइक क्रिकेट। ठीक है, आपको फुटबॉल से अलग कोई सा भी गेम लिख देना है। और n by 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक चेस मान लीजिए, चेस। तो 2n स्टूडेंट क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट। n by 2 स्टूडेंट लाइक करते हैं चेस। इन क्रिकेट और चेस की जगह आप कोई सा भी गेम राइट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वो सब आंसर सही होंगे। ठीक है, तो बेटा हमारी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है, 11.4 हमने आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.5 करेंगे, चैप्टर आपका 11 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, या हमारे व्हाट्सअप नंबर में प्रोवाइड करा देता हूँ हर बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही,